थे टॉक्सिक केमिकल, टॉक्सिक केमिकल के अंतर्गत फिर हमने शुरू किया था पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड में हमने पढ़ना क्या क्या था बताओ, पेस्ट के अंदर रोडेंटिसाइड के बारे में, चूहे को मारने वाले दवाई एक दो याद होनी चाहिए। उसके बाद हमने इंसेक्टिसाइड में खूब अच्छे से पढ़ लिया उसका नाम। अब जो हम बात करेंगे किसके अंतर्गत, फंजीसाइड के अंतर्गत। किसके अंदर बात, फंजीसाइड में। फंजीसाइड भी किसके अंदर आएगा, पेस्ट के अंदर, पेस्टिसाइड के अंतर्गत। तो चलो इसका हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। फंजीसाइड जो फंजाई को क्या करेगा, किल। अच्छा, फंजाई से निकलने वाले टॉक्सिक केमिकल को क्या बोलते हैं बताओ, फंजाई से निकलने वाले माइकोटॉक्सिन, क्या बोलेंगे, माइको ने मायोटॉक्सिन, एमबायो मायोटॉक्सिन, और इसकी स्टडी क्या कहलाएगा, माइकोलॉजी। फंजाई का स्टडी क्या कहलाएगा, माइकोलॉजी। ठीक है भाई, छोटी छोटी बातें। अब इस फंजीसाइड में हम देखेंगे, ये भी हमारे लिए बहुत काम का है। कैसे, पहला तो सल्फर के फंजीसाइड, कॉपर के कंपाउंड के फंजीसाइड, डायथायोकार्बामेट के फंजीसाइड, फिनाइल एमाइड के फंजीसाइड, ऑर्गेनो मर्क्यूरल फंजीसाइड और बेंजाइल एमाडा जॉल के फंजीसाइड। अदर में हम नाम सुनते हैं केप्टॉन, केराथेन, एंटीबायोटिक्स और ट्रायाजोल्स। ये बहुत सारे हम नाम ब्लैकबोर्ड पे ये देख रहे हैं, इसके बारे में हम, ये तो थोड़ा बहुत हम फंजीसाइड का नाम ले लिया आपके सामने, केप्टॉन, थीरन, अभी आपने बताया था इसका उपयोग सीड ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, केराथन का उपयोग आप लोग जानते हो कि पाउडरी मैल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, सल्फर का उपयोग बहुत सारे कवक को नाश करने के लिए किया जाता है, कॉपर कंपाउंड हम बात करेंगे, जो बोडेक्स मिश्रण आप लोग पढ़ते हो, इन सब के बारे में हम आज चर्चा करने वाले में हैं। तो जरा जल्दी जल्दी से आप लोग, जो लिख रहा है ठीक है, नहीं लिख रहा है मस्त रहो, ऐसे देख लो, अपना मूवी चल रहा है देख लो आप। सबसे पहले हम फंजीसाइड की बात करेंगे, तो वो कौन है, सल्फर कंटेनिंग, कौन है भाई, सल्फर कंटेनिंग, तो इंपॉर्टेंट है इसकी हम थोड़ा सा, सल्फर कंटेनिंग। तो ये सल्फर कंटेनिंग देख लिया, एलिमेंट क्या होगा इसमें, यूज होंगे 25 केजी प्रति हेक्टेयर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। विटेबल पाउडर यूज करेंगे एज ए स्प्रे 2.5%, यानी कि सल्फेक्स के नाम से आएगा ये। अरे विटेबल का मतलब समझते तो हो, ये तो पाउडर हो गया, एलिमेंट पाउडर के रूप में, वेटेबल पाउडर की थोड़ा सा लगे वो, ये जो दिख रहा है ना आपका हल्का नमी इसमें, ये नहीं ऐसे पूरा निकलने वाला नहीं, इसको बोलते हैं वेटेबल, थोड़ा सा गीला ऐसे कह सकते हो, हल्की नमी वाला। नोट, सल्फर फंजीसाइड पाउडरी मैल्ड्यू के लिए इफेक्टिव है। सल्फर नोट यूज इन समर कुकरबिट्स, कई बार ये आया होगा कि भाई समर कुकरबिट्स में इसका उपयोग नहीं करेंगे, काउज, क्योंकि ये मेलॉन को क्या कर देगा, खराब कर देगा, बिकॉज ऑफ स्पॉट्स एंड एल्केलाइन नेचर ऑफ कुकरबिट्स, यानी सॉफ्ट, जितने कुकरबिट्स होते हैं उसका नेचर क्या है, सॉफ्ट, और वो किस नेचर के हैं, एल्केलाइन, कैसा नेचर है, एल्केलाइन, इसीलिए हम इसका उपयोग नहीं करते हैं, टॉक्सिक को पैदा करेगा, आप इतना ही ध्यान रखना कि भाई उसमें उसका उपयोग नहीं करेंगे। अब आ जाओ कॉपर कंपाउंड, पहला तो सल्फर देख लिए, फंजाई के लिए उपयोग करते हैं, केराथेन के लिए उपयोग करेंगे, और कुकरबिट्स में गर्मियों के समय हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। तीन पॉइंट बस, तीनों याद हो जाएंगे वो पॉइंट, सल्फर बेटेबल फॉर्म में लेंगे, और कहां किसके लिए, फंजाई के लिए उपयोग करते हैं, फंगस के लिए, लेकिन इसी सल्फर का उपयोग हम समर कुकरबिट्स में नहीं करेंगे ड्यू टू टॉक्सिसिटी, बस इतना लिख देना, विषाक्तता के कारण। अगला, जैसे बोलता है ना कि क्लोराइड का उपयोग आम के बाग में नहीं करते हैं, क्लोराइड टॉक्सिसिटी के कारण नहीं करते हैं। अब अगला आ जाओ कॉपर ऑक्सी, कॉपर कंपाउंड में अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई के लिए। अब ये देखो क्या है, सबसे पहला पॉइंट पूछेगा आपको CuSO4 बोडेक्स मिश्रण, कौन सी कंपाउंड की बात कर रहा हूं, कॉपर, तो इन सब में क्या होगा, कॉपर होंगे, कॉपर सल्फेट डिस्कवर बाय प्रीवोस्ट अगेंस्ट बंट ऑफ वीट, ये भी पूछ लेगा, ये नहीं पूछेगा तो ये तो आते ही रहते हैं, क्या नाम है, बोडेक्स मिश्रण,
बॉडेक्स मिश्रण को किसने सबसे पहले बनाया था? मिलार्ड ने। किसने बनाया? अब ये मिक्सचर किसका किसका ये पूछ लेगा। सबसे पहले उपयोग किया गया, चारों क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले उपयोग किया गया था डाउनी माइल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स में। बॉडेक्स मिश्रण क्या है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ किसका? कॉपर सल्फेट, लाइम और H2। बंदा को तो पहले तो यही याद होना चाहिए कि यह मिक्सर है किसका किसका है, तो यह मिक्सर है कॉपर सल्फेट, लाइम और H2O को, जिसको सबसे पहले किसने बनाया था? मिलार्ड ने बनाया, और जिसका सबसे पहले उपयोग कहां किया गया था? डाउनी माइल्ड्यू के बीमारी ग्रेप्स में। समस्या समझ। अब इसका आ गया रेशियो। इसका रेशियो क्या लिखोगे? तो 5:5:50। इसका रेशियो ये याद रखेंगे, कितना कितना, 5:5:50 ये याद रहेंगे। इसी का मिलता जुलता भाई आ गया कौन? बरगंडी मिक्सचर। मेसन ने इसको बनाया था, लेकिन ये लाइम की जगह, इसका लाइम की जगह ये देखो रिप्लेस बाय किसके द्वारा कर दिया? सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। इसी को वॉशिंग सोडा कहते हैं। एक अंतर हुआ, बाकी सब सेम है। लाइम की जगह क्या ला दिया? सोडियम कार्बोनेट। याद रखोगे? बाकी सेम, कॉपर सल्फेट सेम, पानी सेम, ये और ये सेम। लाइम, जो लाइम का फॉर्मूला कई बच्चे को नहीं आते हैं, तो CaO है। लाइम क्या है? CaO। तो इसकी जगह हम अब क्या यूज करेंगे? Na2CO3। चले आ गया। इसका रेशियो 5:5:50, 5:6:50। इसको वॉशिंग सोडा, ये दोनों याद रखना जैसे रखना है। नेक्स्ट पॉइंट। अब ये मैं आपको सोचो मैं कितना मेहनत करके लाता हूं आपके लिए। ये कॉपर सल्फेट जिसका कलर पूछ लेगा कहीं, तो आप कभी नहीं भूलोगे, ब्लू। इसी में पानी मिल जाए 5H2O, तो इसको हम बोलते हैं ब्लू विट्रियोल्स। क्या बोलोगे? ब्लू विट्रियोल्स। हिंदी वाले नीला थोथा के नाम से जानते हैं, नीला थोथा। कहीं कहीं इसको नीला कशिश भी कहते हैं। क्या बोलते हो बता? नीला कशिश। तो याद रखोगे, इसी का सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो कलर कैसा होगा? नीला। तो ब्लू विट्रियोल्स नाम ही है, क्योंकि इसका कलर कैसा होगा? ब्लू होंगे। अब हमने बनाया था बॉडेक्स मिश्रण, तो बताओ ये किसका मिश्रण था? कॉपर सल्फेट ये हमने डाला, और इसमें चूना डाला CaO, और क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। इसका एक मिश्रण बना दिया, ये मिश्रण बन गया जिसका कलर कैसा दिखेगा? ब्लू दिखेगा। कैसा दिखेगा? चूना भी है, कॉपर सल्फेट भी है, पानी भी है। अब इसमें पेस्ट कर दो भाई, फंजाई के लिए सबसे अच्छा है, कीट को भी रोकने में अपन इससे की बहुत सहायता करते हैं। आजकल कॉमर्शियल इसका उपयोग होने लगा। अब इसी में है कौन? बरगंडी मिक्सर। तो इसमें कौन आएगा? कॉपर सल्फेट तो रहेंगे ही, प्लस इसमें खाने वाला सोडा डाल दो Na2CO3, और प्लस क्या है? H2O। ये भी फंजीसाइड के लिए हम उपयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे चौबतिया पेस्ट। एक और पेस्ट है, पहले कॉपर सल्फेट पढ़े, उसके बाद बॉडेक्स मिश्रण पढ़े, उसके बाद बरगंडी मिक्सर पढ़े, उसके बाद हम एक और पेस्ट की बात करेंगे जिसका नाम क्या है? चौबतिया पेस्ट, जिसको बनाए थे VB सिंह। इंडियन नाम है। कॉपर कार्बोनेट, रेड लेड और रॉ मटेरियल, इसका ये रेशियो आप याद रख लेना। ये मैंने नहीं बनाया कि मैं याद करवाऊंगा, उन्होंने बनाया, उन्होंने ये रेशियो रखा, तो आपको याद करना पड़ेगा। अगेंस्ट किसका है? डिजीज ऑफ एप्पल एंड पियर, फंगल डिजीज के लिए उपयोग किया जाता है। ये है चौबतिया पेस्ट। ये हो गया कॉपर से रिलेटेड आपको फंजीसाइड। क्या क्या मैंने पढ़ लिया? पहला सल्फर फंजीसाइड याद रहेंगे, बिटेबल पाउडर उपयोग करेंगे, कुकर बीट्स जो गर्मियों में लगाएंगे उसमें हम सल्फर का उपयोग नहीं करेंगे। दूसरा हमने बात किया, सबसे पहला कॉपर सल्फेट, पानी मिला दोगे ब्लू विट्रियोल्स बन जाएंगे, कलर उसका कैसा होगा? नीला। अब अगला जो हमने बात किया था इसके बाद, उसके बाद हमने बात किया था किसका? बॉडेक्स मिश्रण। बॉडेक्स मिश्रण को सबसे पहले किसने बनाया था? मिलार्ड ने बनाया, और मिलार्ड ने सबसे पहले उपयोग कहां किया था? डाउनी माइल्ड्यू में, ग्रेप्स में। उसने एक मिश्रण लिया किसका? कॉपर सल्फेट, लाइम का और पानी का, 5:5:50 के रेशियो में। उसके बाद एक मेसन साहब वैज्ञानिक थे जिन्होंने बनाया बरगंडी मिक्सर। लाइम की जगह उन्होंने खाने वाला सोडा उपयोग किया। खाने वाला सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 होते हैं, सोडियम कार्बोनेट उसे कहा जाता है रासायनिक नाम में। तो इसका मिश्रण बन गया क्या? कॉपर सल्फेट,
Na2CO3 प्लस H2O, रेशियो बोला यार थोड़ा तो चेंज करूं मिलाड से, तो 5-6-50 कर दिया। फिर एक वैज्ञानिक आए सिंह साहेब, इन्होंने चौबतिया पेस्ट बना दिया, और चौबतिया पेस्ट किसके किसके बीच है, तो कॉपर कार्बोनेट ये याद रखना, और रेड लेड यहां पे, और रॉ मटेरियल तैयार, इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे तीसरा जो हमारी क्लास है वो कौन है, डायथायो कार्बामेट्स, ठीक है, ऑर्गेनिक सल्फर फंजिसाइड। इसमें हम पढ़ेंगे थीरम के बारे में, कहीं कहीं थायरम भी बोलते हैं कोई नहीं, जिनेब के बारे में, मेनकोजेब के बारे में, और वेपम के बारे में। सारे पॉइंट हमने यही लिख दिया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इतने बेहतरीन स्लाइड, एक एक स्लाइड में आप यकीन करोगे ना, आप कॉलेज में देखा होगा, हम लोग को सर देते थे बनाने तो 20-25 मिनट लग जाता था एक स्लाइड में, काफी टास्क लगते हैं इसमें। थीरम की बात करें तो फर्स्ट यूज्ड एज सीड ट्रीटमेंट, इसका यही इंपॉर्टेंट, आपको तो डायरेक्ट ये पूछेगा निम्नलिखित में सीड ट्रीटमेंट में किसका उपयोग किया जाता है, ये, लेकिन सबसे पहले इसी का उपयोग किया गया था, थायरम का। जिनेब की बात करें तो यूज फॉर सॉइल एंड फोलियर स्प्रे, मिट्टी के ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग करते हैं, और कहीं फोलियर स्प्रे पत्तियों पे करना है तो भी इसका उपयोग, मैंने इसका इमेज भी लगा दिया। चले अब इसमें देखो ग्रीन लगा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा होगा ग्रीन का क्या मतलब है, सब समझ में आ रहा है आपको। अब आ जाते हैं मेनकॉप जॉब, कंटेन क्या क्या रखता है, जिंक और एमेन, बेस्ट एंड वाइडली यूज, सबसे ज्यादा उपयोग आजकल किया जाता है फोलियर स्प्रे, पर्ण स्प्रे, पर्ण छिड़काव, पर्णीय छिड़काव में सबसे ज्यादा उपयोग ये किया जाता, और ये फंजीसाइड है, क्या है ये, फंजीसाइड। वेपम के बारे में बात करूं तो इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है सॉइल फंजीसाइड, यानी मृदा को उपचारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वेपम, या कह सकते हो सॉइल स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है जानते हो, जर्म से नाश करना, अंडा होगा ये होगा उन सब से क्या करना, नाश करना, निमेटोड से इन सब से नाश करना। आ जाओ अब हम बात करेंगे किसका, सिस्टमैटिक फंजीसाइड। फर्स्ट सिस्टमैटिक फंजीसाइड जिसका नाम है ऑक्सैथिन, इसको बनाया था वॉन स्केमेलिंग एंड कुलका ने, इसका नाम, इसका ये नाम याद रखना यहां से, ये वाले भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बोक्सिन कॉमन नेम बीटावैक्स अगेंस्ट स्मट, याद रखना ठीक है, याद रखोगे। फर्स्ट सिस्टमैटिक फंजीसाइड अगर बोला जाए तो वो कौन है, कार्बोक्सिन, और इस कार्बोक्सिन का नाम क्या है, मार्केट में किस नाम से मिलेगा आपको, बीटावैक्स, ये भी पूछेगा बीटावैक्स क्या नाम है और प्लांटावैक्स किसका नाम है, तो ये दोनों ध्यान रखना, प्लांटवैक्स, देखो प्लांटवैक्स यही लिख दिया हूं दोनों ताकि आपको कंफ्यूजन खत्म। ऑक्सैंथिन का नाम क्या है, बीटावैक्स, और ऑक्सीकार्बोक्सिन का नाम, देखो अगर अगर आप देखो ना तो ये छोटा नाम है ना, ऑक्सैंथिन बीटावैक्स, इसका नाम है ना कार्बोक्सिन बीटावैक्स, कार्बोक्सिन बीटावैक्स, कार्बोक्सिन बीटावैक्स, और इसका ऑक्सीकार्बोक्सिन नाम बड़ा है तो नाम भी इधर भी बड़ा है, प्लांटावैक्स, प्लांटवैक्स ठीक है, बीटावैक्स छोटा नाम उधर, प्लांटवैक्स, ऐसे कुछ दिमाग लगा के जोड़ तोड़ के तो थोड़ी बहुत याद हो जाए, और क्या, तीन बार बोलता हूं इसलिए कि तुझे याद हो जाए। ये पूछेगा ये किसके लिए उपयोग किया जाता है, दो तीन ना केमिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे केराथेन, तो ये इंपॉर्टेंट किसके लिए, पाउडरी मैल्ड्यू के लिए, ये लिखा हुआ है आपके सामने स्मट, स्मट के लिए उपयोग किया जाता है क्या, तो ये लिखा है बीटावैक्स, बीटावैक्स ये याद रखना, रस्ट, रस्ट तो इसके लिए प्लांटवैक्स, ये डायरेक्ट पूछेंगे, कम से कम इतना तो याद रख लिया। अब यहां बड़ा बच्चों को दिक्कत होता है, रस्ट और स्मट कैसे याद रखोगे, हम तो ऐसे याद रखते हैं, नाम बड़ा है ना तो बीमारी भी बड़ा कौन है, रस्ट, रस्ट है ना बड़ा, तीन तीन उसका, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट, और कौन है, ब्राउन रस्ट, तो ये इंपॉर्टेंट, ऐसे याद रख लेंगे। चले ये किसके लिए कंट्रोल किया जाता है, तो डिटोरोमाइसिटी जिसको हम बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टी,
जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अभाव होता है, फंजाई आपको पता नहीं होगा, चार पांच क्लास पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या है, एस्कोमाइसिटीज क्या है, तो ये बाद में अपने इसमें जूमाइसिटीज के बारे में बात करेंगे। अगला आ जाओ, छोटी सी कहानी, बेंजी एमाइजोल, इसके बारे में एक छोटा सा एक दो पॉइंट बात कर लेते हैं, जिसमें बेवेस्टीन और बिनोमाइल्स, सुपीरियर सिस्टमेटिक फंजिसाइड जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो कौन है, बेवेस्टीन, इसका याद रखना, गुड फॉर एरेडिकेट एंड प्रोटेक्टेंट के लिए बिनोमाइल का उपयोग किया जाता है। एक दो नाम और देख लेते हैं फंजिसाइड में, ये इंपॉर्टेंट है, कौन है, मेटाएलेक्सिन, ये जानते हो किसके लिए उपयोग किया जाता है, ये डाउनी मैल्ड्यूब। अब मैं यहां लिख देता हूं, कैराथेन के लिए किसका नाम सुना, पाउडरी मैल्ड्यू के लिए छोटा नाम बीटावैक्स, विटावैक्स, स्मट के लिए प्लांट वैक्स, प्लांट वैक्स, ये रस्ट के लिए नाम, डिजीज कौन बड़ा है, रस्ट, और एक और ये वाले मेटाएलेक्सिन, ये करते हैं डाउनी, ये चार याद होना चाहिए, ठीक है, इसको किसी तरह से अपन दिमाग में रखेंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहां से फंस जाएगा कि कौन किसके लिए उपयोग किया जाता है। ओमाइसिटिस फंजाई के लिए इसका ये इनहिबिट कर देगा किसको, आरएनए सिंथेसिस को, कौन कर देता है, मेटाइल एलेक्साइल। चले ऑर्गेनो मर्क्यूरियल फंजिसाइड की बात करें, कि ऑर्गेनो मर्क्यूरियल जो फंजिसाइड होते हैं, ड्यू टू हाई टॉक्सिसिटी इट इज बैंड इन इंडिया, इंडिया में क्या हो गया, बैंड, इफेक्ट अगेंस्ट फंजिसाइड एंड बैक्टीरिया, ये नाम याद रखना, एग्रोसान, सेरासान, एग्रेटॉन, एगालोल, तो ये ध्यान रखेंगे, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ऑर्गेनो मर्क्यूरल फंजिसाइड, नाम से क्या पता लगा यार गुरुजी, ऐसा केमिकल होगा जिसमें मर्क्यूरल का मतलब मरकरी जुड़ा रहेगा, क्या जुड़ा रहेगा, Hg जुड़ा रहेगा, जब इसकी केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे तो इसमें कौन सा केमिकल आएगा, बीच बीच में G आएगा, ठीक है, Hg, एग्रोसान, सेरासान, ऐसे ये सब याद रखेंगे, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं ऑर्गेनो मर्क्यूरल फंजिसाइड के अंतर्गत। अदर फंजिसाइड की बात कर ले कुछ जल्दी जल्दी से, तो कौन कौन है, केप्टॉन किसके लिए उपयोग करेंगे, सी ट्रीटमेंट, सॉइल ड्रेंचिंग के लिए उपयोग किया जाता है केप्टॉन का, और उपयोग हम किसके लिए करते हैं, डैम्पिंग ऑफ के लिए, केराथॉन लिख दिया हूं पाउडरी मैल्ड्यू के लिए, एंटीबायोटिक्स में याद रखना स्ट्रिप्टोमाइसिन फंजिसाइड, स्ट्रिप्टोमाइसिन इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, ध्यान रखना सीन लगा हुआ है, किसके लिए है, बैक्टीरिया के लिए, सीड बॉर्न डिजीज के लिए, ये स्ट्रिप्टोमाइसिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये सब एंटीबायोटिक है, किसके लिए है बताओ, बैक्टीरिया के लिए, ट्रायजोल अगेंस्ट पाउडरी मैल्ड्यू, रस्ट एंड लीफ स्पॉट्स के लिए उपयोग किसका होता है, ट्रायजोल्स का, तो ये नाम कुछ कुछ मैं लिख दिया हूं जल्दी जल्दी, ये आपको कुछ ट्रेड नेम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, वो तो केमिकल है, अरे इसको एक दो बार ऐसे देखोगे अपने आप हो जाएंगे, हमें भी थोड़ी याद है पागल के, हम बड़ा विद्वान आदमी देख के पढ़ रहा हूं, तुम भी एक दो बार इसको पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाए, अपन है कि 2013 से पढ़ाऊं तो 10-20 बार पढ़ाऊं तो याद हो जाते हैं, तुम भी पढ़ोगे याद हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट ट्रेड नेम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम क्या है, ब्लिटॉक्स, कॉपर सल्फेट, इसका नाम है ब्लू कॉपर, अभी दिखा दिया, इन दोनों से कोई प्रश्न नहीं बनेंगे, कार्बेंडाजीन बिल्कुल याद रखना, बेवेस्टीन, स्टार लगा देता हूं, बेवेस्टीन, ऑक्सीकार्बोक्सिन, अभी मैंने बताया था नाम बड़ा, प्लांट वैक्स, ये भी याद होना चाहिए, ये कार्बोक्सिन याद होना चाहिए, छोटा नाम छोटा दोस्त विटावैक्स, ऑक्सीकार्बोक्सिन नाम बड़ा, प्लांट वैक्स, दो तो याद करवा दिया, ये और ये, कार्बेंडाजीन बेवेस्टीन, कार्बेंडाजीन बेवेस्टीन, अगला बेनलेट बिनोमाइल्स, इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड, ये आते हैं सेरासॉन, फिनाइल एमाइड्स, ये मेटाएलेक्सिन, अच्छा कुछ और नाम लिख देता हूं, आईबीए का नाम आपको पता होना चाहिए, आईबीए का नाम सेराडॉक्स,
इसका नाम रूटेक्स, रूटेक्स। एनएए का नाम ट्रेड नेम क्या है? प्लानो, PLANO, प्लानोवैक्स। प्लानोफिक्स है ना, प्लानोफिक्स, प्लानोफिक्स। कुछ कुछ इतना तो हमें आना चाहिए भाई, कि ये सब छोटे मोटे पॉइंट आना चाहिए। रूटेक्स, सेरेडेक्स, ये सब आते रहते हैं, प्लानोफिक्स। अब आ जाओ, अब हम बात करेंगे कुछ हर्बिसाइड का। तो किसकी बात करेंगे? हर्बिसाइड। अभी तक हम किसकी बात कर दिए थे बताओ? फंजीसाइड। हर्बिसाइड छोटा है इसको।